This call is now being recorded. Okay, good evening everyone, good evening. तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास टेंथ के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और हमने कितनी चीजें कवर कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर, यानी कि सभी बच्चों को पता होता है कि हमें अपना हमेशा माइक बंद करके क्लास ज्वाइन करनी है और अपना कैमरा बंद करके ज्वाइन करनी है और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी एक्टिविटीज में जाकर के आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर करोगे, ठीक है? इतना आप सभी लोग जानते हो। और हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जो जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स के लिए जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी हमें पता होने चाहिए, वो यहाँ पर आपके लिए डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, और हमने ये भी लास्ट क्लास में सीख लिया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स को, क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। सर, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सर इंटीजर्स सभी काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। सर, इनके साथ में जीरो को मिला दो। सर, इनके साथ में क्या करो, जीरो को मिला दो। और क्या करो सर इनके साथ में, सर नेचुरल नंबर्स के, काउंटिंग नंबर्स के सभी नेगेटिव वाले साइन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सर, ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती है, हमारी इंटीजर्स बनाती है। तो पता लग गया कि सर इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और सर इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है? यानी कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 5 × 4, तो आप कहोगे सर हमारा आंसर आएगा 20। और अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे कि -7 × -5, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 35। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ में, या फिर आप एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर के साथ में, दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमारे उसमें आंसर आता है, दोनों ही केस में रिजल्ट आता है पॉजिटिव। और अगर हम मल्टीप्लाई करें एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ में, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 में, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा -32। या फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं -9 को 7 में, तो 9 × 7 कितना हो गया, 9 × 7 = 63। यानी कि आप कहोगे सर आंसर आएगा -63। क्यों? क्योंकि ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ में, या फिर एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ में, तो हमारा आंसर क्या आता है, एक नेगेटिव नंबर आता है। अगर इतना सभी को क्लियर था, याद हो गया, समझ में आ गया, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, और अगर यहाँ पर किसी बच्चे का डाउट है तो यहाँ पर एन टाइप करेंगे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। इसको हमने नंबर भी दे दिया है 1, 2, 3, 4, कहीं पर भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? यानी कि कोई डाउट नहीं है, सभी को सारी चीजें क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने चीजों को दोहराने के लिए, यानी कि अपने रिविजन करने के लिए। फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से आगे। देखिए, आपको आगे एक क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको इसका आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे अपना आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे जाइए पोल सेक्शन के अंदर और अपना आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, जल्दी से सभी बच्चे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो वो भी अपना क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज सके। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। पहले काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। अब आपके पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता उनके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? सभी का आंसर आ गया है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया था कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक पॉजिटिव नंबर 12 को मल्टीप्लाई करोगे एक नेगेटिव नंबर 11 के साथ में, आप कहोगे सर अभी सीखा था कि अगर हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव के साथ में, या फिर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ में, तो सर दोनों ही केस में आंसर क्या आता है, हमारे पास एक नेगेटिव आंसर आता है। यानी कि सर आंसर तो हमारे पास में आएगा नेगेटिव। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया कि सर आंसर तो हमारे पास में कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। एक सेकंड बच्चे, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। देखिए, आंसर तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब आप 12 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे
जब आप 12 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 11 टू जा कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 11 टू जा 22, टू कैरी, 11 वन जा 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, यानी कि आप कहोगे सर माइनस के 132। इतना क्लियर है सभी को कि आंसर होगा ए ऑप्शन माइनस के 132। अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे कि हाँ सर हमें इतना क्लियर है। ठीक है, अब बच्चे सभी बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया था इंटीजर्स का, यानी कि हमने स्टार्ट किया था आपका ऑपरेशन ऑन इंटीजर, यानी कि इसका ऑप्शन तो पता लगी ए सही है। हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑन इंटीजर, और हम जानते हैं कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो किसके होते हैं, यानी कि एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। अभी हमने मल्टीप्लाई सीख लिया है, मल्टीप्लाई में क्या सीख लिया है कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव के साथ में, या फिर आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ में, तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। और क्या सीख लिया हमने, हमने सीख लिया कि अगर आप पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ में, या फिर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव के साथ में, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने मल्टीप्लाई सीख लिया, अब हम बात करते हैं कौन से इंटीजर्स की, अब हम आगे सीखेंगे एडिशन के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अभी हम सीखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, यानी कि इंटीजर्स के अंदर एडिशन कैसे करते हैं। देखो इंटीजर्स के बारे में इतना सीख चुके थे सर, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सर जो इंटीजर्स होते हैं वो 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, और हमारे पास में सर 0 भी इसके अंदर ले लीजिए। और सर अब आपको क्या लेना है, सर नेचुरल नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव वाले साइन, यानी कि आपने कहा सर नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, यानी कि हमारे पास में काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं जिनको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि हम सीख गए कि सर जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हो सकते, सॉरी जो इंटीजर्स हैं सर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एडिशन की एडिशन कैसे करेंगे इंटीजर्स का। देखिए अगर हम बात करें एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, तो हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं और इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि हम ऐड कर सकते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, यानी कि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हम ऐड कर सकते हैं टू नेगेटिव इंटीजर्स को, यानी कि सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, और हम ऐड कर सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को भी, तो हमारे पास में क्या है, सम ऑफ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि हम तीन टाइप से इंटीजर के एडिशन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे कि जब आप 10 के अंदर 5 को ऐड करते हैं तो बताइए कितने आते हैं। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे कि जब आप 10 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी ने चैट सेक्शन के अंदर टाइप कर दिया कि सर आंसर आएगा 15, 15। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 10 + 5 कितना हो गया हमारे पास है, 15 हो गया। यानी कि इतना तो सर क्लियर है हमारे पास में कि इफ वी ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो सर हमारे पास में जो आंसर आता है वो क्या आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं, वैसे तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो हम इनको नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3 और 4। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपने आंसर लिखकर भेजेंगे। अच्छा आंसर क्या भेजेंगे हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। देखो अगर आप 100 के अंदर 130 जोड़ रहे हो, यानी कि आपने कहा सर मैं 100 के अंदर 130 जोड़ रहा हूं, तो सर मेरे पास में कितना आ गया, 230। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने समझाया था अभी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे जोड़ते हैं, पर सर ये तो हमारे पास में ना जोड़ है ना घटाव है, ना तो सर ये हमारे पास में जोड़ है एडिशन ना सब्ट्रैक्शन है, सर इसका क्या करें। यानी कि अब हमें कुछ चीजें सीखनी है, चीजें क्या सीखनी है हमें, देखो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 + 4 कितना होता है, तो आपने कहा कि सर इसके आगे तो पॉजिटिव साइन है 4 के आगे, बट 5 के आगे कोई साइन नहीं है, और हमने सीखा था अगर किसी डिजिट के पास में कोई साइन नहीं है, किसी भी नंबर के पास में कोई साइन नहीं है, तो उसके पास में हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। यानी कि अब आप कहोगे सर दोनों ही जो हमारे पास में डिजिट्स हैं या फिर दोनों ही जो नंबर हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ में, अगर दोनों ही डिजिट का साइन सेम होगा तो हम उनको हमेशा ऐड करेंगे, यानी कि हमने ऐड किया 5 + 4 कितना हो गया 9। हम क्या बोल रहे हैं इस चीज पे ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास में दोनों डिजिट का साइन सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है -5 - -7, आपने कहा सर दोनों ही डिजिट्स का साइन सेम है, सर दोनों ही डिजिट का अगर साइन सेम है
तो हमेशा ऐड करेंगे, यानी कि आपने क्या किया, आपने ऐड कर दिया 7 के अंदर 5 को, तो 12 हो गया। और सर दोनों ही डिजिट का जो साइन है ना वो नेगेटिव है, तो सर ऐड करने के बाद में हमारा आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि चीजें क्या हो गई, आपको याद रखना है कि अगर डिजिट्स का साइन सेम है तो वो हमेशा क्या होंगी, हमेशा वो क्या होंगी, ऐड होंगी, हमेशा ऐड होंगी। लेकिन पर जो साइन होगा वो आपको पता लगाना है, यानी कि वो आपको कॉमन साइन लगाना है जो दोनों ही डिजिट का होगा। अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लगाना है, अगर दोनों ही डिजिट का साइन पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए, इतना सभी को क्लियर है? वेरी गुड। देखिए, इतना तो क्लियर हो गया सर। इसका आंसर तो कितना आएगा सर, पहले का कि सर दोनों ही डिजिट के साइन सेम है, तो आपने कहा सर दोनों ऐड होंगे 230, सर दोनों का कॉमन साइन क्या है, पॉजिटिव। सर यहाँ पर भी दोनों ही डिजिट के साइन सेम है, तो सर ये ऐड होंगे, यानी कि सर ऐड होने के बाद में कितना हो गया 230। सर दोनों ही डिजिट का जो कॉमन साइन है वो सर नेगेटिव है, ये रहा नेगेटिव, तो आपने कहा सर ये नेगेटिव यानी कि माइनस के 230। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, आप कहोगे सर यहाँ पर तो कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो आप कहोगे पॉजिटिव साइन होगा। यानी कि अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तीसरा केस क्या है हमारे पास में कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। मान लेते छोटे नंबर ले लेते हैं पहले, कि आपने क्या करा, आपने लिखा सर माइनस, यानी कि प्लस के तो 4 ले लिया और माइनस के आपने 9 ले लिया। एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास में दोनों ही डिजिट के साइन अपोजिट हैं, तो इस केस में हमेशा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि हमेशा घटाओगे। घटाओगे किस में, आप बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाओगे, यानी कि आपने 9 में से 4 को घटा दिया तो आपके पास में कितना बचा, 5। कितना बचा आपके पास है, 5। बट सर साइन कौन सा आएगा, क्योंकि इंटीजर्स है, इंटीजर्स का तो साइन होना बहुत जरूरी है। आप कहोगे जो भी डिजिट हमारी बड़ी है सर उसी का साइन कॉपी कर देंगे, यानी कि आप कहोगे सर माइनस के 5। ठीक है, माइनस के 5। तो अब आपका क्या कहोगे यहाँ पर, आप कहोगे सर एक पॉजिटिव नंबर है तीसरे में और एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि दोनों ही नंबर्स के साइन अपोजिट हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि आपने कहा सर बड़ी डिजिट 130 में से आपने 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 30 बचा, और आप कहोगे सर नेगेटिव साइन है, यानी कि बड़ी डिजिट के साथ में नेगेटिव साइन है, तो आपने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी आप कहोगे सर दोनों ही डिजिट के साइन क्या है, अपोजिट है 4th में, तो सर हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 130 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया, 30 आ गया। सर बड़ी डिजिट के साथ में कौन सा साइन है, आप कहोगे सर पॉजिटिव साइन है, तो आपने पॉजिटिव लगा दिया। अगर इतना सभी को क्लियर है कि सर अगर हमारे पास में दोनों ही डिजिट सेम साइन की है, जैसे कि हमारे पास में लिखा 5 + 4, तो सर आंसर आएगा 9। अगर सर दोनों ही डिजिट सेम साइन की है, तो सर दोनों को हमेशा ऐड करेंगे, आंसर आएगा कॉमन वाला, यानी कि सेम साइन हमेशा ऐड होंगे। और अगर हमारे अपोजिट साइन है, अगर हमारे अपोजिट साइन है तो सर हमेशा ऐड होंगे। देखिए यहाँ पर दोनों अपोजिट साइन है, सॉरी, जब दोनों अपोजिट साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 8 में से 7 गया 1, पर साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा बड़ी डिजिट का। सर यहाँ पर बड़ी डिजिट 8 था, प्लस का 1, सर यहाँ बड़ी डिजिट माइनस का था, तो माइनस का 1। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर है। तो अब हम लोग देखिए थोड़ा सा और सीख लेते हैं। देखिए, सॉरी, एक सेकंड के लिए स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी अभी आपको। इतने सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे 8 + 7 कितना होगा, 8 + 7 कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे 8 + 7 कितना होगा। एक सेकंड में अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, दिखाई दे गई स्क्रीन आपको? ठीक है, तो हमने कहां तक चीजें डिस्कस कर ली थी, अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने यहां तक सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। इतना क्लियर था सभी को? ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए यहां पर लिखा है इफ, सभी बच्चे सामने देखेंगे ध्यान से, इफ देयर इज नो नंबर बिटवीन टू साइन, अगर दो साइंस के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, देन साइन विल मल्टीप्लाई विथ ईच अदर, तो साइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है,
और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ में तो हमारे पास में नेगेटिव आता है। अगर हमारे पास में दो डिजिट्स के बीच में, दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, सॉरी अगर हमारे पास में कोई दो साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है, नो नंबर बिटवीन टू साइंस, अगर दो साइन तो है पर उनके बीच में कोई नंबर नहीं है तो वो साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे? देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो लिखा है माइनस के 100, ठीक है सर, प्लस माइनस के 130। आप कहोगे सर यहाँ दो साइन एक साथ आ रहे हैं, सर एक तो ये रहा पॉजिटिव और सर एक ये रहा नेगेटिव, इन दोनों साइन के बीच में कोई डिजिट नहीं है। आप कहोगे सर दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपने पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव के साथ में तो आपके पास में कितना आ गया, आपने कहा नेगेटिव। यानी कि सर इतना तो सॉल्व करके, यानी कि सर इतना तो सॉल्व करके जितना कि हमने हरा कर दिया है, सर इतना तो सॉल्व करके नेगेटिव आ गया। अब क्या बचा? आप कहोगे सर यहाँ पर तो 130 बचा और यहाँ पर कितना बचा? आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस के 100 बचा। अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर दोनों ही डिजिट्स के सेम साइन है, सर दोनों ही डिजिट के सेम साइन है तो ऐड होंगे, यानी कि आपने कहा सर 230 होंगे, पर सर दोनों का कॉमन साइन क्या है? नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव लगा दिया, यानी कि माइनस के 230 होंगे। इतना क्लियर हुआ? हाँ चेतना बच्चे आप एक बार अपना आंसर चेक कीजिए, चेतना, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप ठीक है तो एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए चेतना के नाम से। बच्चे आपका कोई कमेंट नहीं आया, चेतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे प्लस माइनस को माइनस करेंगे उसके बाद हम माइनस 100 को उसमें ऐड करेंगे तो माइनस के साइंस भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो अभी तो आपको समझाया था, आप पीछे वाली स्लाइड पर अगर देख पाओगे, देखो आपको क्या चीज समझाई थी, आपको ये चीज समझाई थी कि अगर आप नेगेटिव नंबर को नेगेटिव के साथ लिखते हो तो वो हमेशा ऐड होगा, लेकिन पर साइन तो वही लगेगा जो दोनों का कॉमन साइन है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर भी हुई है। देखिए पहले तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया, ये रहा यहाँ पर कि जब आप पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आते हैं, यानी कि जो हरे बॉक्स में इसको सॉल्व करके तो सब नेगेटिव आ गया। हमारे पास में 130 बचा हुआ है और हमारे पास में सर पहले बचा हुआ माइनस के 100, यानी कि अब लिखा है माइनस 100 माइनस 130 और दोनों ही डिजिट्स के सेम साइन है नेगेटिव तो ऐड होंगे, यानी कि 230 हो गए, लेकिन पर दोनों का कॉमन साइन क्या है? नेगेटिव है, तो आपने नेगेटिव लगा। ठीक है, अब बताइए बच्चे कोई डाउट? चेतना अगर कोई डाउट नहीं है तो बताइए बच्चे, एक बार वाइट टाइप कर दीजिए या फिर आप बोल दीजिए माइक में। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया? देखिए यानी कि आपके पास में इतनी क्लियरिटी हो गई है तो अब आप जल्दी से इनके आंसर भेज सकते हैं, एग्जाम्पल जो भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है जल्दी से। माइनस के 8 के अंदर, माइनस के 8 के अंदर अगर आप ऐड करोगे माइनस के 4, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें दो आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है बच्चे का -4 और एक आ रहा है बच्चे का -12। देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अभी हमने एक चीज सीखी थी, बच्चे सॉरी फिर से लाइट गई, कैमरा बंद ही कर देते हैं, लाइट आ रही है और जा रही है। देखिए आपने भी एक चीज सीखी थी कि सर अगर दो साइन के बीच में कोई भी डिजिट नहीं है, आप कहोगे सर यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, इनके बीच में कोई डिजिट नहीं है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव के साथ में तो नेगेटिव आएगा, यानी कि आपने कहा सर ये तो सोल्व होने के बाद में नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर 4 बचा और सर उससे पहले माइनस के 8 बचा, अब दोनों ही डिजिट्स के सेम साइन है और जब दोनों ही डिजिट के सेम साइन होते हैं तो वो हमेशा ऐड होते हैं, यानी कि आंसर तो आएगा 12, लेकिन पर सर दोनों का ही कॉमन साइन क्या है? नेगेटिव, आपने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, यानी कि आंसर आ गया माइनस के 12। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर है टाइप करो आशीष कुमार के नाम से, जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, यस सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जब भी आप एक नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ में ऐड करते हो तो आपका आंसर जो आता है वो हमेशा कितना आता है? एक नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हमने दो चीजें सीख ली कि अगर आपके पास में दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हो और आप उनको ऐड कर रहे हैं, आपके पास में आपके क्या है दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं और आप उनको ऐड कर रहे हो, इस वाले केस में आपने देखा कि आपका आंसर पॉजिटिव आता है और इस वाले केस में आपने देखा कि आपका आंसर नेगेटिव आता है। हम याद करने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, आप तो क्वेश्चंस ऐसे ही सोल्व करोगे जैसे आपको कराया जा रहा है, बट ये रिजल्ट हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
चलिए अगर हम बात करें कि एक हमारे पास में कैसा नंबर है कि एक तो पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको समझा दिया गया था कि जब आप एक नेगेटिव इंटीजर के साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं तो दोनों ही डिजिट्स का साइन क्या है, आप कहोगे सर दोनों ही नंबर का जो साइन है वो अपोजिट साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, सर 10 में से 5 गया तो 5। लेकिन पर सर साइन कौन सा आएगा इंटीजर्स के लिए, तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सर जो भी बड़ी डिजिट है बड़ा नंबर है इसके पास वाला साइन आएगा नेगेटिव, यानी कि कितना हो गया हमारे पास में माइनस के 5। इतना अगर सभी को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करें। दीपक सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो 25 लिखकर भेज रहे हैं, बच्चे 25 नहीं लिखना है हमें। अच्छा सभी बच्चे एक बार इसका आंसर बताएंगे, हम आपसे पूछ लेते हैं, बताइए कि अगर आपके पास में वो 13 माइनस 18, सभी बच्चे आंसर भेजेंगे 13 माइनस 18 हो तो कितना आंसर आएगा। ठीक है आपने कहा सर 13 के आगे कोई साइन नहीं है, अरे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, यानी कि जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव साइन होता है। आपने कहा सर दोनों ही डिजिट्स के अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, अगर दोनों ही साइन है तो सॉरी नेगेटिव नहीं दोनों ही अगर अपोजिट साइन है तो आप कहोगे सर डिफरेंस होगा, यानी कि दोनों को घटा दिया 18 में से 13 को घटा दिया तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 5 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, जो भी बड़े डिजिट के पास में लिखा हुआ है, बड़े डिजिट के पास में क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर इंटीजर्स के साथ में सेम साइन होता है तो वो हमेशा ऐड होता है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, भाई पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव ऐड होता है और नेगेटिव इंटीजर के साथ में नेगेटिव इंटीजर ऐड होता है। 7 और 5 कितना हो गया 12, पर साइन कौन सा आएगा माइनस का, लिखा भी है साइन विल बी सेम एज द इंटीजर्स, साइन वही रहेगा जो इंटीजर्स का साइन है, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव और अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव। इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन, अगर आपके इंटीजर्स के डिफरेंट साइन है, जैसे कि आपने कहा सर 5 माइनस 7 या फिर 7 माइनस 5, आपने कहा सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि दोनों ही केस में 2 आंसर आएगा। पर साइन कौन सा आएगा, द साइन विल बी एज ऑफ द बिगर इंटीजर या फिर लार्जर इंटीजर या ग्रेटर इंटीजर, आपको होगा सर यहाँ पर 7 बड़ा है तो माइनस और यहाँ पर सर 7 बड़ा है तो प्लस, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि इतनी सभी चीजें क्लियर हैं कि अगर आप पॉजिटिव के साथ में ऐड करोगे पॉजिटिव को तो आंसर आएगा ऑपरेशन पॉजिटिव, इतना सभी को क्लियर है। और अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अपना आंसर कहाँ वोट करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से वोट करेंगे। आपसे पूछा गया कि अगर आप माइनस के 68 में ऐड करते हैं माइनस के 90, माइनस के 68 में आप ऐड करते हैं माइनस के 90 तो आंसर बताइए कितना है, जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना करेक्ट ऑप्शन लिखकर भेज सकें, साथ सॉल्व करेंगे। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, अभी रहते हैं 2-3 बच्चे जल्दी से। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकेंड्स हैं जल्दी से, और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से करेक्ट ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, श्वेता का आ गया है, राघव का आ गया है, ऋतु का आ गया है, आशीष का आ गया है, रेणु का आ गया है, ठीक है, विजय का आ गया है, धर्मेंद्र का आ गया है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सर बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। पूछा गया कि अगर आप माइनस के 68 में आप ऐड करते हैं माइनस के 90, तो देखो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, आपने कहा सर यहाँ पे 2 ऑपरेशंस एक साथ हैं, यानी कि सर 2 साइन एक साथ हैं, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो पहले सर आपने इनको मल्टीप्लाई किया और पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव के साथ में तो सर आंसर आता है नेगेटिव,
यानी कि इसको सॉल्व करके तो सर नेगेटिव आ गया, बचा हमारे पास में 90, और सर इधर से बचा हमारे पास है माइनस के 68। अब क्या कहोगे आप? अब आप कहोगे सर दोनों ही डिजिट्स का सेम साइन है, और अगर दोनों ही डिजिट्स का सेम साइन है तो सर हम इनको ऐड करेंगे, यानी कि सर ऐड किया 90 के अंदर 68 को, तो कितना हो गया 0 और 8, 8 और 9 और 6 कितना हो गया 15, यानी कि आपने कहा सर 158। और सर साइन कौन सा लगेगा? आप कहोगे सर दोनों का कॉमन साइन क्या है? नेगेटिव। आपने नेगेटिव लगा लिया, यानी कि माइनस के 158, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया, तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आप माइनस के 217 के अंदर अगर आप ऐड करते हैं 100, तो आप लोगों का सही आंसर कितना होगा। ठीक है, तो सही बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, इसको वोट करेंगे जल्दी से। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ सोल्व करेंगे, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन वोट टाइप करके भेज सके कि सर हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने कर दिया है, तो बचे हुए 5 सेकेंड्स में बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, जल्दी से जाइए और चैट सेक्शन के अंदर अपना करेक्ट ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। देखो आपको आंसर नहीं भेजना है बच्चे, आपको ऑप्शन भेजना होता है, जैसे कि जैन सैनी के नाम से और नीरू, शायद आप लोगों ने ऑप्शंस नहीं भेज के आंसर्स भेजे। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए लिखा गया है कि माइनस के 217, यानी कि आपने लिखा माइनस के 217 और आपने ऐड किया इसके अंदर 100। अब आप खुद ही बताइए दोनों डिजिट्स जो है इनके कैसे साइन है। आपको अगर सर दोनों के अपोजिट साइन है, और जब दोनों के अपोजिट साइन होता है तो सर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। आपने 217 में से आपने 100 को घटा दिया, जब घटाया तो कितना बचा हमारे पास में, 117 बचा, यानी कि सर आंसर तो 117 आएगा। लेकिन पर सर कौन सा 117? आप कहोगे सर जो बड़ी डिजिट है इसके पास में कितना लिखा हुआ साइन है, आप कहोगे सर लिखा हुआ साइन है माइनस का, यानी कि आप कहोगे सर आएगा आंसर माइनस के 117, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। इतना सभी को क्लियर हुआ ऑप्शन डी। अब हमें दो बच्चे बताएंगे जिन्होंने, नीरू आप ही बताइए बच्चे, आपको समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, और अगर बच्चे अगर नहीं समझ में आया तो माइक ओपन करके भी पूछ सकते हो आप, नीरू। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया, यानी कि इसका तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया डी। चलिए आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, सामने हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 32 के लिए अपना करेक्ट ऑप्शन वोट कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब आप 110 के अंदर यानी कि 110 के अंदर आप ऐड करोगे माइनस के 100, तो आप लोगों का आंसर कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर, जितने बच्चों के पास है पोल सेक्शन आता है वो जल्दी से अपना करेक्ट ऑप्शन भेजेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और जिन बच्चों के पास है पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ सोल्व कीजिए, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सके कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, जो बच्चे अभी रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट के बिना, वो जल्दी से लास्ट 5 सेकेंड्स के अंदर वोट कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से करेक्ट ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। अच्छा एक बच्चा अपना माइक ओपन करेगा,
नीरू बच्चे आप अपना माइक ओपन कीजिए जल्दी से। नीरू नीरू बच्चे अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज एक बार माइक ओपन कीजिए। रेनू सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका नाम नीरू ही है, प्लीज एक बार माइक ओपन कीजिए। चलिए आपसे बच्चे सामने देखेंगे, हम लगातार देख रहे हैं कि नीरू का आंसर गलत आ रहा है, इसलिए हम माइक ओपन करने के लिए बोल रहे थे बच्चे, ताकि आप बताओ कि आप कैसे सोल्व करते हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 110, 110, फिर आपने लिखा प्लस और आपने लिखा सर माइनस के 100। आप हमें बताइए कि आपको क्या दो साइन एक साथ दिखाई दे रहे हैं? आपने कहा हाँ सर, एक यारा प्लस एक यारा माइनस, इन दोनों के बीच में कोई नंबर भी नहीं है। तो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और आप जानते हैं कि अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ में तो आंसर आता है माइनस, यानी कि आपने कहा सर ये तो हो गया माइनस। अब हमारे पास में सर इधर तो बचा 100 और इधर बचा 110। सर 110 के पास में कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिन नंबर्स के साथ में कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होते हैं। अब सर 110 और इसको देखा जाए तो सर दोनों ही अपोजिट साइन है, और जब दोनों ही साइन अपोजिट होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपने 110 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में 10 बचा, यानी कि सर आंसर तो होगा 10, पर कौन से 10, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आपने कहा सर बड़ी डिजिट तो 110 है, 110, और इसके पास में कितना लिखा हुआ है पॉजिटिव, यानी कि आप कहोगे सर 110 यानी कि पॉजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो पॉजिटिव, यानी कि आंसर जो होगा वो प्लस के 10 होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। अगर वो लग रहा है कि टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से, और अगर लग रहा है कि यहाँ तक सर सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्लियर है सभी को? चलिए देखिए अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से सब्ट्रैक्शन कि अब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, और सब्ट्रैक्शन किसका पढ़ेंगे, यानी कि हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं इंटीजर्स के ऊपर। तो अब हम जल्दी से पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इंटीजर्स हम जानते हैं कि इंटीजर्स हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो जब हम जानते ही हैं कि जो इंटीजर्स हैं सर वो इंटीजर्स हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, तो हो सकता है दोनों ही इंटीजर्स हमारे पास में कैसे हों, पॉजिटिव हों। हम देखेंगे कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कि आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू नेगेटिव इंटीजर्स कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर कि हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को कैसे सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, देखो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज लिखी हुई है, बट ये चीज आप जानते हो, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया है कि अगर आपके पास में दो साइन है और उनके बीच में कोई भी डिजिट नहीं है तो आप उनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि आप लिखोगे सर माइनस के 100 और सर दोनों को मल्टीप्लाई किया, हम जानते हैं कि सर माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ में करते हैं तो पॉजिटिव आता है, यानी कि सर यहाँ तो प्लस आ गया, कितना बचा हमारे पास में 130, पहले कितना लिखा हुआ हमारे पास में माइनस के 100। सर दोनों ही डिजिट्स के कैसे साइन है, आप कहोगे सर दोनों ही डिजिट्स के अपोजिट साइन है, तो सर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सर बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया 30। सर कौन से 30, आप कहोगे सर बड़ी डिजिट के साथ में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो आप कहोगे सर प्लस के 30। तो सब्ट्रैक्शन में भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने सीखा, कुछ नया नहीं है सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए देखो आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनके आंसर चैट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी भेज देंगे। ठीक है, जैसे कि ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि जब आप माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये 130 हो गए प्लस के और ये माइनस के 100 हो गए, और आप जानते हैं कि जब दोनों के अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा हमारे पास में जो भी बड़ी डिजिट के साथ में साइन हो, यानी कि आंसर आ गया सर हमारे पास में प्लस के 30। ठीक है, अब आप इसका आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेजेंगे कि जब आप 37 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 17 को तो आपका क्या आंसर आएगा, जल्दी से। रितिका के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और धर्मेंद्र धर्मेंद्र के नाम से, ठीक है रितिका ने तो अपना आंसर करेक्ट कर दिया है।
शायद उनका भी 20 होगा, उन्होंने 2 टाइप करके भेजा है। देखिए आपको अगर सर बहुत आसान है कि सर 37 में से 17 तो हम बचपन से घटाते आ रहे हैं, सर ये रहा 37, ये रहा 17, सर यूनिट प्लेस में सर यूनिट प्लेस को घटाया तो 0, और सर टेंथ प्लेस में सर टेंथ प्लेस को घटाया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है सर, सीखने वाली बात है इंटीजर्स चल रहा है, तो सर आप कहोगे सर 37 के साथ में कोई डिजिट मतलब कोई साइन नहीं है, तो आपने कहा सर जिनके साथ में कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव साइन होता है। अब आप कहोगे सर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी दोनों ही डिजिट्स के साइन अपोजिट है, जब दोनों ही डिजिट के साइन अपोजिट होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 20 आया, सर कौन सा 20, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बड़ी डिजिट के साथ में जो भी साइन होगा सर वही हमारा आंसर होगा, यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस के 20। इतना क्लियर है सभी को? अगर यस सर। बच्चे अगर क्लियर है तो उस बच्चे आप इसका जल्दी से आंसर भेजेंगे कि जब आप 100 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा। बच्चे रीनू सेने के नाम से जो बच्चा क्लास ज्वाइन कर रहा है, रीनू सेने के नाम से, क्या वो अपना माइक ओपन कर सकते हो? देखो आप हर बार वाई की जगह एन टाइप करके भेजते हो और माइक आप ओपन करते नहीं है बच्चों, बताइए आपको समझ में नहीं आया क्या? सर तो बच्चे आप एन टाइप करके क्यों भेजते हो जब हम आपसे बोलते हो कि अगर समझ में आ गया वाई टाइप कीजिए, नहीं आए तो एन टाइप कीजिए। ठीक है आपको क्लियर करना है, देखो अगर समझ में आ गया तो वाई ही टाइप करके भेजना है। चलिए बच्चे माइक बंद करेंगे से, बच्चे अपना माइक बंद प्लीज, कोई बच्चा क्लास के दौरान अपना माइक ओपन नहीं करेगा। अगर आपसे माइक ओपन करने के लिए कहा जाता है तो माइक ओपन करके जब आप जवाब दे दिया करो तो प्लीज आप माइक को बंद भी कर दिया करो। ठीक है चलिए देखिए अब आप क्या कहोगे, सर ये तो वही सवाल है कि सर 100 के पास में कोई साइन नहीं है, 100 के पास में तो पॉजिटिव होगा, दोनों के अपोजिट साइन है तो सर सब्ट्रैक्ट होगा, सर 130 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो सर हमारे पास में 30 बचा, सर कौन से 30? आप कहोगे सर बड़ी डिजिट है 130, इसके पास में सर नेगेटिव साइन है तो सर नेगेटिव के 30। क्लियर हुआ? चलिए अब आप जल्दी से इसका आंसर भेजेंगे जल्दी से सब बच्चे, कि जब आप माइनस के 37 में से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के 17 को तो कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे जल्दी से भेजेंगे कि अगर आप माइनस के 37 में से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के 17 को तो आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया और सभी का आंसर सही आया है। देखिए आप कहोगे सर इन दोनों डिजिट इन दोनों साइन के बीच में, सर दोनों नेगेटिव साइन है और इनके बीच में कोई डिजिट नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सर माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ में तो प्लस आएगा, सर ये तो प्लस हो गया यहाँ तक सॉल्व करके, सर हमारे पास में कौन बचा, आप कहोगे सर हमारे पास में 17 बचा, और सर इससे पहले हमारे पास में कितना बचा हुआ है माइनस के 37। ठीक है बच्चे अब आप कहोगे सर दोनों ही डिजिट के अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आपने 37 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, आप कहोगे सर 20 बचा, लेकिन पर कौन से 20, आप क्या कहोगे सर बड़ी डिजिट के साथ में माइनस का साइन है तो सर माइनस के 20। क्लियर है सभी को? अगर सभी को क्लियर है तो एक बार बच्चे सभी इसका आंसर भेजेंगे कि जब आप माइनस के 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के 130 को तो आंसर कितना आएगा, जल्दी से, जब आप माइनस के 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के 130 को तो आंसर कितना आएगा। ठीक है काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप कहोगे सर हमें यहाँ दो लगातार माइनस के साइन दिखाई दे रहे हैं, सर अभी आपने बताया था कि सर अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ में तो प्लस आता, यानी कि सर सॉल्व करके आ गया प्लस के 130, इससे पहले लिखा हुआ है सर माइनस के 100, अब आप कहोगे कि सर दोनों ही डिजिट्स के साइन अपोजिट हैं, दोनों ही नंबर अपोजिट साइन के हैं तो सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर 130 में से 100 घटा दिया तो 30 आ गया, यानी कि सभी बच्चों का 30 तो आ रहा है, लेकिन पर उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि सर हमारे पास में क्या है कि बड़ी संख्या के साथ में प्लस है तो हमारा प्लस के 30 आएगा। अब हम कुछ नाम लेते हैं जैसे कि
साक्षी आपने नेगेटिव 30 भेजा, रेनू सैनी आपने नेगेटिव 30 भेजा, वेग कुमार आपने नेगेटिव 30 भेजा, आशीष कुमार आपने नेगेटिव 30 भेजा, गरिमा यानी कि चेतना आपने नेगेटिव 30 भेजा। क्या अब आप लोगों को क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हम सभी को क्लियर है कि आंसर माइनस के 30 नहीं प्लस के 30 होगा। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया है ना, माइनस के 30 नहीं प्लस के 30 होगा। चलिए अब आप जल्दी से इसका आंसर भेजेंगे बच्चे, जल्दी से। हाँ, जैन सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप जल्दी से माइक ओपन कर सकते हैं जैन सैनी के नाम से। सर मेरा नाम रेनू है, जैन सैनी नहीं। हाँ बच्चे देखो, नाम याद करना हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अचानक से सभी के नाम याद हो जाए इतना पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन क्लास में आपके चेहरे तो हम देख नहीं पाते हैं, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि नाम याद हो जाए। प्लीज सभी के लिए बुरा मत माना करो, बट कुछ समय में नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। कोई डाउट है तो बच्चे डाउट पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो माइक बंद कर लीजिए फिर। ठीक है, देखिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। क्या आंसर आ गया है कि सर देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ नेगेटिव है, और सर जो हमारे पास में 130 है इसके पास में कोई साइन नहीं है, तो जिन नंबर्स के पास में कोई साइन नहीं होता सर वो प्लस के नंबर होते हैं, यानी कि सर ये प्लस का 130 है। जब हम प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, आप जानते हो कि माइनस की गुणा प्लस में करते हैं चाहे प्लस की गुणा हम माइनस में करते हैं, तो सर आंसर हमारा माइनस आता है। यानी कि आपने कहा सर सोल्व करके आ गया माइनस 130, सर इससे पहले लिखा हुआ है माइनस के 100, सर दोनों ही डिजिट्स यानी कि दोनों ही नंबर्स हमारे नेगेटिव हैं तो सर ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि 100 के अंदर 130 को ऐड किया तो सर 230 हो गया। पर सर कौन से 230? सर दोनों ही हमारे नेगेटिव के हैं, तो सर दोनों का कॉमन साइन क्या है? सर दोनों का कॉमन साइन नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव के 230। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछिए। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आप लोगों के सामने क्या है कि एक सवाल आएगा और आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में आप जानते हैं कि आप अपना आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो सवाल नंबर आप लोगों के सामने 33 है, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे सवाल नंबर 33 को जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अगर माइनस के 118 को, अगर माइनस के 118 को आप घटाते हो माइनस के 90, तो बताइए कितना आंसर आएगा। आपसे पूछा गया कि अगर आप माइनस के 118 में से घटाते हो माइनस के 90, तो आपके पास में कितना आंसर आएगा। तो काफी आसान सवाल है, और काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए आप लोगों के पास में अब आखिरी 5 सेकंड है कि जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से करेक्ट ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, रितिका का आ गया, विक, सेनी, श्वेता, राघव, धर्मेंद्र, आशीष, साक्षी, रेनू, और बुरा मत मानना, हो सकता है ये आपके पेरेंट्स के नाम हो या किसी और के आईडी से ज्वाइन किया हो, बट आपके नाम कुछ समय में याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अभी आपने सीखा था कि सर ये दो साइन हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में कोई डिजिट नहीं है, तो सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सर नेगेटिव को जब हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर पॉजिटिव हो जाएगा, तो सर हमने इसको पहले लिखा प्लस। अब हमारे पास कितना बचा सर, यहाँ तो 90 बचा, और सर यहाँ पर माइनस के 118। और अब आप देख रहे हो
कि सर दोनों ही डिजिट्स यानी कि दोनों ही नंबर्स अपोजिट साइन के हैं, तो सर ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या होंगे सर, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि आपने 118 में से आपने 90 को घटा दिया, कितना बचा हमारे पास में 28। देखेंगे कि 28 कौन से बचेंगे, यानी कि सर 28 तो बचेंगे, लेकिन पर कौन से बचेंगे? आप कहोगे सर जो बड़ी संख्या है, जो बड़ा नंबर है वो सर 118 है और इसके पास में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी कि माइनस के 28। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, माइनस के 28। ठीक है, इतना अगर सभी को क्लियर है तो आप देखेंगे कि सर माइनस के 28 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सवाल नंबर 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आप माइनस के 120 में से, अगर आप माइनस के 120 में से सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि घटाओगे 150 यानी कि 150 को, तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। 120 तो पॉजिटिव है। हाँ, मतलब आप घटाओगे 150 को। चेतना कोई डाउट है बच्चे इसमें, बोलिए, या हमने गलत बोल दिया था? सर आपने कहा था ना कि नेगेटिव का 120 है। सॉरी, अगर शायद हो सकता है गलत बोल दिए। ठीक है, यानी कि अगर हम 120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 को, तो बताइए आपका कौन सा करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और सभी बच्चे पता है आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ सोल्व करेंगे, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना करेक्ट ऑप्शन भेज दें। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए हम आप लोगों के लिए पोल सेक्शन एंड कर देते हैं। और अब जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और वो अपनी तरफ से जल्दी से करेक्ट ऑप्शन वोट कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, आशीष, रितिका, राघव, श्वेता, ठीक है, रेनू, धर्मेंद्र। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है और लगभग लगभग सभी का आंसर ठीक है, सिर्फ एक दो बच्चों का गलत हो गया किसी वजह से। देखिए आप कहोगे कि सर अगर हम देखें 150 को, तो सर इसके साथ में कोई साइन नहीं है, और जिन नंबर्स के साथ में कोई साइन नहीं होता सर उनके पास में पॉजिटिव साइन होता है, ये हमने सीखा था। यानी कि आप कहोगे सर ये पॉजिटिव 150 है, और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आप जानते हो कि अगर आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ में, चाहे पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव के साथ में, सर दोनों ही केस में क्या आता है, नेगेटिव आता है। यानी कि सर यहाँ पर आ गया माइनस के 150 यानी कि 150। सर बाकी कितना लिखा हुआ है, 120। सर इसके पास में भी कोई साइन नहीं है तो सर ये भी प्लस का होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही हमारे पास में क्या है, दोनों ही अपोजिट साइन के नंबर्स हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपने कहा सर 150 यानी कि 150 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना बचा, 30। यानी कि सर आंसर तो 30 आएगा, लेकिन पर कौन से 30? आप कहोगे सर जो बड़ा नंबर है 150, उसके पास में जो साइन है सर वो नेगेटिव है, तो सर नेगेटिव 130, यानी कि माइनस के 30 आप लोगों का आंसर होगा। इतना सभी को क्लियर है कि ऑप्शन सी माइनस के 30 हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही आंसर माइनस के 30 है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद और आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन, तो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन में और क्वेश्चन नंबर 35 के लिए जल्दी से वोट करेंगे कि 35 का कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से, आपसे पूछा गया है कि जब आप 3200 यानी कि 3200 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के 800 को, तो आपका आंसर कितना आएगा। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी, बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों के लिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और जल्दी से अपनी तरफ से करेक्ट ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए
आपसे पूछा गया है कि जब आप 3200 यानी कि 3200 में से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के 800 को तो आंसर कितना आएगा। अब आप देख पा रहे हो कि आप कहोगे सर ये दोनों साइन एक साथ हैं, इनके बीच में कोई डिजिट नहीं है। जब हम माइनस को सर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ में तो हमारे पास में पॉजिटिव आता है, यानी कि सर इसको सॉल्व करके तो पॉजिटिव आ गया। सर इधर तो बता हमारे पास में 800 और सर इधर इधर बचा हुआ है हमारे पास में 3200। सर दोनों ही क्या हो गए हमारे पास में, दोनों के ही सेम साइन है, और जब दोनों ही डिजिट दोनों ही नंबर के सेम साइन होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। यानी कि जब आप 3200 के अंदर 800 को ऐड करोगे तो सर आंसर आ गया हमारे पास में कितना, 4000। अब सर 4000 कौन से, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप कहोगे सर दोनों ही डिजिट का जो कॉमन आंसर कॉमन साइन है वो क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव है। तो आप कहोगे सर पॉजिटिव यानी कि प्लस के 4000, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉजिटिव 4000। इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास में क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन इंटीजर्स। ठीक है, चलिए हमने आप लोगों का कर दिया है चैट सेक्शन बंद और हमने आप लोगों का कर दिया है पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है हम एक बार क्वेश्चन रीड करके समझा दे रहे हैं। जेनी रीड्स 324 पेजेस फ्रॉम हर बुक्स ऑन सैटरडे, यानी कि जेनी नाम का कोई इंसान है, कोई हो सकता है लेडी है या फिर जेंट्स है, उन्होंने क्या किया शनिवार को, अपनी बुक के कितने पेज पढ़े, 324 पेज पढ़े एंड 259 पेजेस ऑन संडे, और उन्होंने अपनी बुक के 259 पेजेस संडे में पढ़े। देर आर 876 पेजेस इन द बुक, और बुक के अंदर कितने पेजेस हैं, 876 पेजेस हैं। हाउ मेनी मोर पेजेस सी हैज टू रीड, यानी कि उसको अपनी बुक कंप्लीट करने के लिए और कितने पेज पढ़ने होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं छोटी डिजिट में कि आपने अपनी बुक के शनिवार को 5 पेज पढ़े और संडे में 3 पेज पढ़े और आपकी बुक में टोटल 12 पेज है, तो आपको कितने पेज और पढ़ने होंगे। यानी कि आपने कहा सर मैं 5 पढ़ चुकी हूँ, 3 पढ़ चुकी हूँ, सर मैं टोटल 8 पढ़ चुकी हूँ, सर मुझे टोटल 12 पढ़ने हैं लेकिन पर मैं 8 पढ़ चुकी हूँ तो 12 तक पहुंचने के लिए सर मुझे 4 पेज और पढ़ने होंगे। यानी कि आपने 12 में से 8 को घटाया होगा जब 4 आए होंगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना कीजिए। हमने सवाल समझा दिया है, जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा उनको सवाल हमने समझा दिया है जल्दी से। चलिए अब हम देख भी पा रहे हैं कि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, लेकिन पर विजय सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, जबकि हमने आपको कहा है कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो कैमरा बंद करके माइक बंद करके ज्वाइन करेंगे। प्लीज इतनी सारी चीजों को समझा करो, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि बार बार चीजें समझाई जाए। एक्चुअली में कैमरा हमारा ऑन होना चाहिए बट कैमरा हमारा ऑन नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है। सर गलती से हो गया। ठीक है कोई बात नहीं बच्चे। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना करेक्ट आंसर वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ सोल्व कीजिए, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज सकें। चलिए आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2 1। और अभी हम पोल सेक्शन एंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ बच्चे रहते हैं उनके लिए हम 3 सेकंड एक्स्ट्रा देते हैं जल्दी से। भाई अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो जल्दी सॉल्व कीजिए, आप लोगों के पास में 3 सेकंड एक्स्ट्रा देते हैं कि आप तो सॉल्व कर लिया होगा और अगले 3 सेकंड में जल्दी से क्वेश्चन जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 3 नहीं कर रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हो आप लोग जल्दी से, 2 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से करेक्ट ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया बट पिछले क्वेश्चन के मुकाबले कम बच्चों ने आंसर दिया है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। देखो बच्चे गलत होगा या सही होगा इस चीज को हमें अपने मन में नहीं सोचना है,
आंसर तो सभी को करना है, गलत होगा या सही होगा वो तो हम डिसाइड कर देंगे। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए हमने आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया था कि आपने 5 पेज पढ़े थे शनिवार को और आपने 3 पेज पढ़े थे रविवार को संडे में, और आपकी बुक में पूरे 12 पेज थे, तो आपको अभी कितने पेज और पढ़ने पड़ेंगे अपनी किताब के लिए। आपने कहा सर मैंने 5 और 3 8 पढ़ लिए, और सर मेरी बुक में 12 पेज हैं, तो मैंने सर 12 में से 8 घटा दिया, तो सर मुझे 4 पेज और पढ़ने हैं अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए। किसी बच्चे के मन में डाउट है कि मुझे माइनस के 4 पेज पढ़ने हैं, तो पहले वो अपना हाथ ऊपर कीजिए, यानी कि माइक ओपन करके बताइए। किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट है कि सर मुझे माइनस के 4 पेज पढ़ने हैं, ठीक है, यानी कि माइनस के 4 पेज तो किसी को नहीं पढ़ने, यानी कि आपको पता है कि आंसर तो सर 4 ही होगा, कि मुझे 4 पेज और पढ़ने हैं। तो इसी तरीके से आपने कहा कि सैटरडे वाले दिन कितने पेज पढ़े गए थे सर, आपको कहोगे सर सैटरडे वाले दिन मन अच्छा था तो हमने ज्यादा पेज पढ़े थे, तो सर सैटरडे वाले दिन हमने पढ़ लिए थे कितने पेज, लिख देते हैं 324। सर संडे वाले दिन छुट्टी का मन था, तो सर संडे वाले दिन हमने कम पढ़ाई की और हमने कितने पेज पढ़े, 259। देखा जाए तो आपने दोनों दिन में कुल मिलाकर कितने पेज पढ़े, 9 और 4 13, 1 5 2 7 8, 3 और 2 5, यानी कि आपने 583 पेज पढ़े। लेकिन पर आपकी बुक में टोटल कितने पेज है, आपको सर 876, यानी कि 876, लेकिन पर आपने तो अभी तक 583 पेज पढ़े, तो आपको कितने पेज और पढ़ने हैं, सर 6 में से 3 गया 3, सर 7 में से 8 नहीं जा सकता तो हमने बोरो ले लिया, सर 17 में से 8 गए तो कितना बचा हमारे पास में, सर 9 बचा, और सर 7 में से 5 गए तो कितना बचा, 2, यानी कि सर हमें 293 पेजेस और पढ़ने हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन सी लगाया है माइनस के 293, तो बच्चे वो हमें करेक्ट करके बताइए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है कि आंसर तो पॉजिटिव होगा 293, इतना सभी को क्लियर है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से पोल चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे क्या डाउट है आपको, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। चलिए तो ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, आप लोगों को होमवर्क अभी दिखा देते हैं, और आपको होमवर्क आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो अपना SRN नंबर और अपना WhatsApp नंबर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर टाइप करके भेजिए बच्चे।